हूँ शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ आम रस। तो आइए जानते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे दो आम लिया है और एक कटोरी चीनी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आम को हम छील लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आम को हम छील लेंगे। पहले इसका जितना छिलका है इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे, इस तरह से सारे छिलके को। देखिए ऐसे, ये देखिए हमने दोनों आम को इस तरह से छील लिया है। अब हम इसे पीस में काट लेंगे। देखिए, हम ये एक जार लेंगे, इस तरह से मिक्सी में हमें पीसना है। अब इसके हम पीसेस ऐसे निकाल लेंगे, इस तरह से आप छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के। देखिए, जैसे भी रख लिया आप काट लीजिए। और ये सब इस तरह से हम दोनों आम को ऐसे ही काट लेंगे सब तरफ से, केवल इसका गुठली हमें छोड़ देना है। देखिए ऐसे ये काट काट के हम इसे जार के अंदर डालेंगे, इस तरह से। ये देखिए, हमने दोनों आम को इसमें काट के डाल लिया है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। देखिए कि पूरा एक कटोरी चीनी इसमें हम देंगे और इसमें अब हम थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए, हम ज़्यादा पानी नहीं देंगे, थोड़ा सा पानी देंगे बस। अब हम इसे ढक्कन लगा करके और इसे मिक्सी में पहले हम पीस लेते हैं। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने आमरस पीस लिया है। ये देखिए कितना गाढ़ा है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकालते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये गाढ़ा, इसका थिकनेस देखिए कितना अच्छा, एकदम मोटा है। ये आमरस आप पूड़ी के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।